प्रॉपर्टी ढूंढकर लेकर आए हैं जो आपका देखकर आ जाएगा जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मन। ये जो मेरी लोकेशन दोस्तों रहने वाली है ये रहेगी मेरी एयरपोर्ट रोड जिरकपुर। ऐसी लोकेशन आपने और ऐसी प्रॉपर्टी आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। ये जो दोस्तों मेरी प्रॉपर्टी है बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी प्रॉपर्टी रहने वाली है। देखिए एक बार इस प्रॉपर्टी को अच्छे से निहारिए। प्रॉपर्टी के अंदर जो काम हुआ हुआ है आपका दिल मोह लेगा ये प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो मेरी प्रॉपर्टी रहने वाली है बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस बस स्टैंड और साथ ही साथ एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर रहने वाली है। राइट हैंड साइड पर दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलर किचन। हमारी जो दोस्तों मॉड्यूलर किचन रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। इसका जो दोस्तों एरिया रहेगा मॉड्यूलर किचन का 10x10.5 का रहने वाला है। एग्जैक्ट बताऊं तो एक साइड से 10 फुट दूसरे साइड से 10 फुट 8 इंच। राइट हैंड साइड पे दोस्तों जैगुआर की फिटिंग मिलेगी। आपको यहाँ पर 2 टैब्स मिलने वाले हैं, 2 सिंक मिलने वाले हैं, एंटी नॉइस सिंक है, साथ ही साथ दोस्तों सॉफ्ट क्लोजर मॉड्यूलर किचन। बहुत ही ब्रांडेड किचन है दोस्तों ये। देखिए एक बार ये जो दोस्तों किचन मेरी रहने वाली है ये वॉशेबल किचन रहने वाली है। मतलब इस किचन को आप खोलकर वॉश कर सकते हो जब ये गंदी हो जाए। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा ये जो मेरी मॉड्यूलर किचन है इसके ऊपर आपको सारा काम एज इट इज ही मिलने वाला है। मॉड्यूलर किचन मेरी मिलेगी आपको सेम एज इट इज, पर इसमें थोड़े से अप्लायंसेस कम मिलेंगे जब आप यहां से मेरे से प्रॉपर्टी लोगे। लेफ्ट हैंड साइड पर दोस्तों मेरा आ गया हमारा एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया। ये जो हम आपको दिखाएंगे सैंपल फ्लैट जब हमारा खत्म होने वाला होगा, हम जब सर्वेंट रूम से एंटर करेंगे किचन के अंदर मैं आपको एरिया तब दिखाऊंगा। अभी दोस्तों राइट हैंड साइड पे मेरा देखिए डिनिंग डाइनिंग एरिया, साथ ही साथ एक साइड लगा हुआ हमारा 5 सीटर सोफा और वहीं दूसरी साइड हमारा लगा हुआ 4 सीटर सोफा। दोस्तों ये मेरा जो 5 सीटर सोफा रहने वाला है ये हमारा पर्सनल फैमिली के लिए रहने वाला है। कैसे आपको बताऊं, जैसे हम यहाँ पर इस एरिया में बैठे होंगे तो हमें अपने बेडरूम, हमें अपनी मॉड्यूलर किचन, हमें अपना डाइनिंग डाइनिंग एरिया बहुत अच्छे से दिखने वाला है। वही दूसरी ओर दोस्तों अगर हम अपने गेस्ट को यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अंदर बुलाते हैं, इस एरिया के अंदर हम बैठते हैं, तो दोस्तों अगर हमारा गेस्ट इस एरिया में बैठा हुआ है तो सिर्फ उसको हमारा जो है सिटिंग एरिया और हमारा गेस्ट एरिया साथ ही साथ गेस्ट बेडरूम ही दिखेगा। मतलब हमारी प्रॉपर्टी के अंदर पूरी जो है प्राइवेसी मेंटेन्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा गेस्ट रूम। देखिए एक बार गेस्ट रूम मेरा कितना अच्छा और कितना प्रीमियम है। दोस्तों जो मेरा गेस्ट बेडरूम है काफी अच्छा और काफी लैविश बना हुआ है। साथ ही के साथ इस बेडरूम का साइज जो रहेगा दोस्तों 13 फुट x11 फुट का यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों जो इस बेडरूम का साइज है वो है 13 फिट x11 फिट। अभी मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूँ इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। राइट हैंड साइड पर दोस्तों मेरा अटैच वॉशरूम है जिसका साइज रहेगा 5 फिट x7 फिट। एस्टिमेटेड है दोस्तों सारा काम आपको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलने वाला है प्रीमियम तैयार किया हुआ। वही इस बेडरूम के साथ साथ हमें मिलेंगे फुल हाइटेड वार्डरोब्स। देखिए कितना अच्छा काम किया हुआ। फिलहाल थोड़ा सा सामान है पर आपको बताऊं ये जो मेरी प्रॉपर्टी है काफी लग्जरी सेगमेंट की दोस्तों प्रॉपर्टी रहने वाली है। आपने क्या करना, अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर करना है विजिट तो आपने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है उसके ऊपर एक बार जरूर मुझे कॉल कीजिए। अभी जो मेरा ये एरिया रहने वाला है दोस्तों इसका मैं अगर आपको टोटल एरिया का साइज बताऊं, ये रहेगा मेरा 22 फिट लेंथ में इस तरफ से, अगर ऐसे इस तरफ से बात करें तो तकरीबन 13 से 14 फिट रहेगा। मतलब एरिया इतने में तो एक छोटा घर बन जाता है, अगर हम 50-60 गज का घर देखें उतने में इतना एरिया मिलता है, बट हमारे लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट ही 22 फिट x14 फिट में रहने वाली है। वही जो मेरा डिनिंग डाइनिंग एरिया है, एक बार देखिए डिनिंग डाइनिंग एरिया की तरफ, ये जो मेरा डिनिंग डाइनिंग एरिया दोस्तों रहेगा ये रहेगा मेरा 12 फिट x11 फिट में। मतलब इस डिनिंग डाइनिंग एरिया का जो साइज रहने वाला है 12 फिट ऐसे और अंदर की तरफ जो गहराई रहेगी वो 11 फिट रहेगी। मॉड्यूलर किचन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, अभी हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। सामने की तरफ हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का एक बार दोस्तों आप नजारा लीजिए, लुफ्त लीजिए कैसा दिखता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम हमारा काफी प्रीमियम तैयार किया गया है। इस मास्टर बेडरूम के साथ हमारी ह्यूज बालकनी भी है, जो अगर मैं बताऊं इस मास्टर बेडरूम का हमारा जो साइज रहेगा दोस्तों वो रहेगा 16 फिट x11 फिट। मतलब इस मास्टर बेडरूम का जो इस साइड से लेंथ में साइज है वो है 16 फिट, वही अगर इस तरीके से देखें तो वो रहेगा 11 फिट। इस साइड दोस्तों हमारी अगर एलसीडी लग जाए तो हमारे मास्टर बेडरूम में आ जाएगा आपको पूरा नजारा। वही आपको मैं एक बार बालकनी के दर्शन करा देता हूँ दोस्तों इस साइड से। ये रही दोस्तों मेरी बालकनी, सिटिंग अरेंजमेंट बालकनी में हो रखे हैं। 25 फिट x7.5 फिट की बालकनी एक साइड और दूसरी साइड हमारा एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा जो कि चिल्ड्रन रूम की तरफ कनेक्टेड है। अभी मैं आपको दिखाता हूं मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। वॉशरूम देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। वॉशरूम का जो साइज है वो भी काफी प्रीमियम है इस प्रॉपर्टी की तरफ।
वॉशरूम का साइज रहेगा वो रहेगा 9 फीट बाय 7 फीट। दोस्तों अगर इस वॉशरूम का मैं साइज या एरिया की बात करूं, इस तरह से ऐसे रहेगा 9 फीट और इस तरीके से रहेगा 7 फीट। वही फुल हाइटेड कंसील्ड फिटिंग मिलने वाली है इस साइड, वॉल माउंट हमें सीट मिलेगी और साथ ही साथ इस वॉशरूम के अंदर जितना भी काम किया हुआ है दोस्तों सारा जगुआर का मिलने वाला है। वॉशरूम के अंदर हमें फुल हाइटेड टाइल साथ के साथ एज इट इज फॉल सीलिंग, सिर्फ हमें जो है लाइटिंग चेंज की हुई मिलेगी। पर आपको बताना चाहूंगा ये जो मेरी प्रॉपर्टी है काफी प्रीमियम प्रॉपर्टी है। वार्डरोब्स का साइज बताता हूं दोस्तों, सुनकर हैरान हो जाओगे, फुल हाइटेड वार्डरोब्स है। इनका साइज रहने वाला है दोस्तों 7 फीट बाय 6 फीट, मतलब हम इस साइड पर एक कर्टन लगाकर मास्टर बेडरूम में इस साइड कर्टन लगाकर इसको हम अपना चेंजिंग रूम भी बना सकते हैं। मतलब यह जो मेरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमें खुला और काफी ओपननेस महसूस मिलने वाली है। वही मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमारा जो है थर्ड बेडरूम। राइट हैंड साइड पे एक बार निगाह मारिए और हमारा देखिए थर्ड बेडरूम कितना प्रीमियम कितना प्यारा। ऐसी प्रॉपर्टी दोस्तों जल्दी नहीं मिलती कभी भी। इसका साइज रहेगा दोस्तों 14 फीट बाय 11 फीट। अभी फिर से आप हैरान हो गए, सही सुना दोस्तों, जो मेरी प्रॉपर्टी है इस रूम का, जो इस प्रॉपर्टी का जो थर्ड रूम है उसका साइज है 14 फीट बाय 11 फीट। इतने बड़े बड़े बेडरूम्स, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। दोस्तों क्या करना है आपने, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है उसके ऊपर करनी है हमें कॉल, इस प्रॉपर्टी पर विजिट करना नहीं है भूलना आप सभी लोग दोस्तों ने। राइट हैंड साइड पे सामने की तरफ आपको फिर मिलेगा एक अटैच वॉशरूम और साथ ही साथ मिलने वाली है फुल हाइटेड वार्डरोब्स। देखिए दोस्तों मजा ही आ जाएगा आपको ये प्रॉपर्टी देखकर। अगर आपने प्रॉपर्टी गलती से एक बार विजिट कर ली दोस्तों, खरीदने का मन आपका खुद पर खुद ही करेगा। और साथ ही के साथ आपको बताऊंगा इस बेडरूम के साथ भी हमें मिलेगा क्या मिलेगा, बालकनी का एरिया। देखिए दोस्तों बालकनी कितनी अच्छी आ गया ना, मजा आपको देख कर ही प्रॉपर्टी। इसी तरह की प्रॉपर्टी आपको दोस्तों भी मिलने वाली है रोज ही रोज। और राइट हैंड साइड पे और ऊपर और नीचे इधर काम जो इतना प्रीमियम किया होगा मिलेगा ना आपको, आपका मन दोस्तों मोहित होने वाला है। वही दूसरी ओर दोस्तों मैं आपको भी दिखाऊंगा चिल्ड्रन बेडरूम, वो भी देखकर आप बोलोगे क्या ही प्रॉपर्टी बनाई है। पीछे की ओर देखिए दोस्तों, एंटर कीजिए मेरे चिल्ड्रन बेडरूम के अंदर, देखिए एक बारी नजारा चिल्ड्रन बेडरूम का, क्या ही अच्छा बिल्डर ने काम कर रखा है। ये जो दोस्तों मेरे चिल्ड्रन बेडरूम का साइज रहेगा वो रहेगा 13 फीट बाय 12 फीट। क्या ही प्रॉपर्टी बनाई है, मजा आ गया दोस्तों। ऐसी प्रॉपर्टी रोज रोज लेकर आने का मन कर रहा है। एक बारी क्या मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई, मेरा तो खुद ही मन कर गया ऐसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करने का। फिलहाल आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ये जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, आज से मौका नहीं गवाना दोस्तों आप सभी ने। और साथ ही के साथ इस बेडरूम के साथ चिल्ड्रन बेडरूम के साथ भी हमें क्या मिलेगी, एक बालकनी। राइट हैंड साइड पे बिल्कुल आपके पीछे दोस्तों आपको मिलेगा वॉशरूम, साथ ही के साथ आपको मिलने वाले हैं फुल हाइटेड वार्डरोब्स। देखिए दोस्तों आया ना मजा, अभी दिखाते हैं आपको हमारे क्या बाथरूम, बाथरूम में दोस्तों जगुआर की फिटिंग, मजा ही आ गया। बोलो खरीद लो प्रॉपर्टी, अब तो मजा ही आने वाला है। ऐसी प्रॉपर्टी हमें रोज ही देखने के लिए अगर मिलेगी ना दोस्तों, डेफिनेटली आप भी चाहेंगे ऐसा खुद का घर हो। डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बोलना मत, आपका इश्कुमार आपकी सेवा में हाजिर है। अभी आपको दिखाता हूं मैं बालकनी, देखिए बालकनी, ये जो मेरी बालकनी है दोस्तों मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है, मतलब जुड़ी हुई रहने वाली है। मतलब यहाँ पर हमें सिटिंग एरिया भी मिल रहा है बैठने के लिए और साथ ही के साथ बालकनी की जो हाइट है वो तकरीबन 5 फुट के आसपास है, मतलब बच्चों के गिरने का खतरा बिल्कुल शून्य है। और साथ ही के साथ सेफ्टी के मामले में इस बिल्डर ने हर एक पड़क इस प्रॉपर्टी के अंदर लगा रखा है। आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर कर लेनी है कॉल और आ जाना है इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए। अभी हम दोस्तों बालकनी बंद कर देते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, कर्टन वर्टन लगा देते हैं, हमारे घर के अंदर जो है टेम्परेचर अच्छा रहे। अभी देखते हैं बच्चों का सीटिंग एरिया, बैठकर बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा एरिया देखकर तो मेरा खुद का पढ़ने का मन कर रहा है दोस्तों। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी अच्छा एरिया है। वही साथ ही के साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा मैं और मेरी टीम आपकी सेवा में 24 घंटे अवेलेबल हैं। आपने क्या करना, 9780810090 पर कॉल करनी है, हम आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे जहां पर आपका रहने का मन करे, खरीदने का मन करे,
शिफ्ट होने का मन करे। और साथ ही के साथ दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रीमियम प्रॉपर्टी होती हैं, वो थोड़ी सी महंगी बेशक होती हैं, पर इनके अंदर हमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो अव्वल दर्जे की मिलती है, जैसे कि क्लब हाउस, जैसे कि गैस पाइपलाइन, जैसे कि पार्किंग, और साथ ही के साथ गेस्ट बेडरूम्स मिलेंगे हमें अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर। गेस्ट बेडरूम के अलावा हमें सर्वेंट वी रूम मिल रहा है। गेस्ट बेडरूम के अलावा हमें इस प्रॉपर्टी के साथ सर्वेंट रूम अटैच के साथ साथ वॉशरूम भी मिलेगा। सर्वेंट रूम का अपना खुद का कमरा होगा, साथ में वॉशरूम भी होगा उसका सर्वेंट का, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब यह प्रॉपर्टी 5 कमरों वाली बन गई दोस्तों, और साथ के साथ 5 वॉशरूम मिल गए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसी प्रॉपर्टी तो मजा ही आ जाता देखकर कभी कभी। वही मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट रोड के ऊपर रहने वाली है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। भाई मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, क्या तू चलेगा मेरे साथ देखने? तो जल्दी से जल्दी आइए इस प्रॉपर्टी के ऊपर विजिट कीजिए। 9780810090 पर कॉल करना नहीं भूलिए। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना सर्वेंट रूम, सीधा आपको दिखाऊंगा सर्वेंट रूम। दोस्तों ये रहा हमारा सर्वेंट रूम, देखिए एक बार सर्वेंट रूम को। और जो सर्वेंट रूम का हमारा दोस्तों एरिया रहेगा वो रहेगा 9.5 फुट बाय 7 फुट का, अच्छा एरिया है। राइट हैंड साइड में मेरे वॉशिंग एरिया, साथ ही के साथ कंसील्ड फिटिंग, और साथ ही साथ वॉल माउंटेड हमें सीट लगी हुई मिलेगी। फुल हाइट हमें यहाँ पर जो है टाइल लगी हुई मिल रही है, जगुआर की फिटिंग मिल रही है। और साथ ही के साथ अगर हम इस एरिया से बाहर निकलते हैं, मतलब सर्वेंट रूम से बाहर निकलते हैं, तो हमें इस साइड मिल जाएगा हमारा एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया। इस एरिया का जो दोस्तों साइज रहेगा ये भी रहेगा तकरीबन 9 फुट बाय 6 फुट का, मतलब हमारी एक एक्स्ट्रा हमारे पास ह्यूज बालकनी आएगी। राइट हैंड साइड पे मेरे दोस्तों मॉड्यूलर किचन आ चुकी है, जो कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया था। और अभी आप देखिए हमारी इस बालकनी से दूसरी बालकनी का व्यू, मतलब इस साइड तो हम रह रहे हैं वो भी हमारी खुद की बालकनी है। इस बालकनी के सामने इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए दोस्तों कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जाते जाते आप सभी लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको लगी अच्छी तो एक बार इस सेवा का जरूर मौका दीजिए। और अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे से बाय करनी है, आपको कोई अच्छी डील चाहिए, या आपको लगता है आपका रेट नहीं बन पा रहा, तो एक बार जरूर मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम, मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।